तो दोस्तों आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे हम लोग लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर ऐप को डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकते हैं और इन फ्यूचर कभी भी हम लोग काम पे ले सकते हैं, उसके बारे में डिटेल्स में आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ विंडोज 10 की, दोस्तों आप अभी ईजिली चाहे लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी है विंडोज 10 के अंदर आप यहाँ पे ऐप को इंस्टॉल या काम पे भी ले सकते हो। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम आता है विंडोज 7 की अगर मैं बात करूँ या उसकी जो अगले वर्सन है वहाँ पर प्रॉब्लम आता है कि आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा कि ऐप को आप यहाँ पे डाउनलोड या इंस्टॉल करके काम पे ले सकते हो। बट फिर की कोई बात नहीं, आज की डेट में आप लोगों को मैं आप लोगों को जो बताऊंगा बहुत ही छोटा है, बहुत ही इजी होगा, लेकिन आप यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से चाहे विंडोज 7 हो या उसका अगला वर्सन जो भी हो आप यहाँ पे इजीली ऐप को डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकते हो और इन फ्यूचर काम पे ले सकते हो। तो ए टू जेड सारा पैसे बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अंत तक देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो या ऐसा हेल्पफुल वीडियो देखना चाहते हो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मैं हूँ जयदीप और आप देखो टेक्निकल जयदीप यूट्यूब चैनल। तो चलिए देख लेते हैं। देखो दोस्तों, कहने के लिए आपके यहाँ कुछ भी नहीं करना है, बस आपके यहाँ लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना होगा। एज एग्जांपल मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ और आप अपने हिसाब से कर लेना। और यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउजर कोई ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा कि नॉक्स ऐप प्लेयर बोल के, जैसे कि आप मेरे पीछे स्क्रीनशॉट पर देख रहे हो वहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करके देखो, जैसे कि स्क्रीनशॉट पर देख रहे हो सबसे पहला वाला जो डाउनलोड वाला लिंक आएगा वहाँ से क्लिक करके आप जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हो ऐसे आएगा, वहाँ से आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। जैसे एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो उसी की तरह ही है और फ्री है, एक कोई आपके यहाँ पे कोई भी एक रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो डाउनलोड करने के बाद क्या होगा, आप यहाँ पे आपकी जो AXE फाइल होगा, जैसे कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते हो तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम ही होगा। तो डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लेना। ऐसे नॉर्मली जैसे आप एक कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो सेम की तरह ही है, आप इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। और इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे ओपन करोगे, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो वहाँ पे ओपन होने के बाद आप यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो आपके मोबाइल के तरह ही आप यहाँ पे जैसे कि प्ले स्टोर ओपन होता है, जैसे कि इस प्ले स्टोर पर क्लिक करोगे तो जैसे कि ऐप स्टोर पर क्लिक करोगे जैसे कि देख रहे हो आपके यहाँ पे बहुत सारे ऐप स्टोर मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है और बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहा है, इसलिए आप लोगों के सामने पेश करूँ। आपके अभी कुछ भी नहीं करना है, जैसे कि देख रहे हो आपके सामने बहुत सारे ऐप वगैरह वगैरह जो भी है शो हो रहा है, जिस ऐप को आप डाउनलोड करना चाहते हो आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मेरे यहाँ पे लैपटॉप की बहुत तरह तरह के ऐप या बहुत तरह तरह के सॉफ्टवेयर है, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कर लेना, आप लोगों के लिए 100% होगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो पर मालूम हो चुका है कि कैसे हम लोग लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर ऐप को डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकते हैं और इन फ्यूचर कैसे हम लोग हेल्पफुल कामों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से लगा कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और दोस्तों इस वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ एक प्यारे से खास कमेंट करके जरूर बता देना। और दोस्तों आगे ऐसा हेल्पफुल एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो दोस्तों इन फ्यूचर, तो दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जो सब्सक्राइबर बटन देख रहे हो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं दूसरे ऐसे हेल्पफुल एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहना। टाटा बाय बाय।